गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी रीड द पोएम क्रेडल सॉन्ग। द क्रेडल सॉन्ग, इस पोएम को हम पढ़ते हैं। तो व्हाट डज लिटिल बिडी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ द डे। लेट मी फ्लाई, सेज लिटिल बिडी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। तो लिटिल बिडी मीन्स छोटा सा पक्षी। तो व्हाट डज लिटिल बिडी से, छोटा सा पक्षी क्या कहता है। इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ द डे, यानी सुबह सुबह दिन की शुरुआत में वो अपने घोंसले में क्या कहता है कि लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। सेज लिटिल बिडी, छोटा सा पक्षी कहता है कि मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई अवे, मम्मी मुझे उड़ने दो। विडी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, जो छोटा सा पक्षी होता है वो थोड़ी देर और रेस्ट करता है। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, वो जब तक रेस्ट करता है जब तक कि उसके पंख, छोटे छोटे पंख स्ट्रॉन्ग, मजबूत नहीं हो जाते। सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, और वो थोड़ी और देर रेस्ट करता है। देन सी फ्लाइज अवे, और फिर वो उड़ जाता है। What does little baby say? Little baby means छोटा सा बच्चा क्या कहता है। In her bed at peep of the day, दिन की शुरुआत में अपने बेड पर छोटा सा बच्चा क्या कहता है। Baby says like little biddy, यानी baby छोटे से पक्षी की तरह क्या कहता है कि let me rise and fly away, मुझे उठने दो और उड़ जाने दो। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, छोटा सा बच्चा होता है वो थोड़ी और देर सोता है। टिल योर लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, और वो जब तक सोता है जब तक कि उसके जो लिम्स हैं, छोटे छोटे लिम्स हैं, वो मजबूत नहीं हो जाते। इफ़ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, वो थोड़ी और देर सोता है। देन बेबी टू शैल फ्लाई अवे, और फिर वो उड़ जाता है। अब चिल्ड्रन, यहाँ पर उड़ने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा उड़ जाएगा। एक जैसे पक्षी उड़ जाता है, बर्ड उड़ जाती है, वैसे बच्चा उड़ जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा उड़ जाता है। ये पोएम है, इसमें बताया गया है कि देखो लेट मी राइज, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो कि लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे, यानी कि मुझे उठने दो और उड़ जाने दो। यहाँ पर उड़ने का मतलब ये है कि बच्चा उठकर आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो चिल्ड्रन, हमने इस पोएम को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।